सोचे कि सब लोग ने सिंगल पे टेस्ट करते, तो आज हम लोग ये सोचे कि डबल पे टेस्ट करते। ये 80 केजी का, मैं 60 केजी का हूँ, तो टोटल 140 हुआ। 140 केजी बाइक पे रहेगा और ड्यूक 200 है। मेरी बाइक को दिखा देता हूँ, पहले इंट्रो दे देता हूँ आप लोग को। गाइस मेरे थोड़ा मन में डाउट था, ये है ड्यूक 250 और ये है ड्यूक 200। तो मेरे को ऐसा था कि एवरेज तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें से देखते थे थोड़ा सा तेज कौन थी, क्योंकि व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। आज हम दो भाई लोग जा रहे हैं, अश्वन। तो ये है 81 किलो का है, बट 80 ऑन, और मैं हूँ 60 किलो का। और आज हम लोग जा रहे हैं माइलेज चेस करने, बाइक का एवरेज चेस करने। मतलब कि देखो, हर रोज़ ना हम लोग ऐसा, मतलब अकेले तो घूमते नहीं, कोई ना कोई घनचक्कर दोस्त को लेके तो घूमते ही, अकेले कहीं जाते नहीं वैसे भी। तो आज हम लोग ने ये सोचे कि सब लोग ने सिंगल पे टेस्ट करते, तो आज हम लोग ये सोचे कि डबल पे टेस्ट करते। ये 80 केजी का, मैं 60 केजी का हूँ, तो टोटल 140 हुआ। 140 केजी बाइक पे रहेगा और ड्यूक 200 है। मेरी बाइक को दिखा देता हूँ, पहले इंट्रो दे देता हूँ आप लोग को। मतलब दो लोग हर रोज़ कोई ना कोई तो दोस्त साथ में घूमता ही है, और दोस्त फिर बोलता है रोना कि भाई गाड़ी में तेरे पेट्रोल नहीं। अभी आधा पेट्रोल तो पीछे वाला खा जाता है हम लोग का, आधा एवरेज, उसको तो ध्यान ही नहीं रहता ये सब चीज़। इसको नहीं बोल रहा, मतलब और भी दोस्त जितने भी बैठते हैं उनको ऐसा लगता है हम लोग पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, तो आधा पेट्रोल उनको यही नहीं मालूम कि ये लोग खुद खा जाते हैं। तो चलो आज बताते कि दो लोग पे टेस्ट करेंगे, मैं और रोशन। वेट भी बता दिया हूँ और मेरी गाड़ी कौन सी है रुको दिखा देता हूँ। ड्यूक 200 है, 200 cc, देखो। और दो महीना तो हो ही गया, समझ लो डेढ़ महीना बारिश में भीगे हुए। देखते कि क्या एवरेज देती है, मतलब कि बाइक थोड़ा भीग भी गई, इंजन थोड़ा, मतलब कुछ फ़र्क पड़ता है क्या एवरेज के ऊपर। और मेरे को मालूम भी नहीं कि मेरे एवरेज कितना देती गाड़ी। दो लोग के ऊपर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ना डेली लाइफ में ना कोई सिंगल नहीं घूमता बंदा, ऑन रोड भी लॉन्ग भी जाता है ना, तो अपने दोस्त को ही लेके जाता है हर जगह। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा एवरेज गाड़ी का काम आ रहा है, सबकी गाड़ी 35 दे रही, व्लॉगर बनाते 35 का एवरेज, बट वो सिंगल पर्सन लेता है। मैं और ये सिंगल पर्सन नहीं है, तो डबल लोग में देखते क्या होता। और पेट्रोल कल से मैंने दलवाया ना, पेट्रोल एकदम ई पे आ चुका है। देखो झूठ नहीं बोलूँगा, अभी पूरा निकाल के भी बताऊँगा। देखो ई इससे भी नीचे आ चुका है, देखो जूम करके बताता हूँ, ये देखो। और चली कितनी मेरी गाड़ी वो भी बताता हूँ, देखो 14,000 ही चली। इसको क्या काउंट करूँ इतना समय, 14,000 तो पूरा। देखो यार पेट्रोल निकाल लिया हूँ पूरी टाकी, आप लोग को दिखा देता हिला कर भी, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करके भी एक बार दिखा देता हूँ, तो गाइस ये दिखा देता हूँ, स्टार्ट करके देखता हूँ सेल्फ लगता है कि नहीं। थोड़ा जो अंदर होगा पेट्रोल नहीं, वही इन्हें तो टाकी में दिखा दिया हूँ, और ये जहाँ बंद होगी वहाँ से मैं पेट्रोल डाल दूँगा। गई 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 गाड़ी, एक और बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बाइक एकदम ख़त्म हो गई, पेट्रोल एकदम ख़त्म हो चुका है, नहीं है। आओ इधर कट कर देंगे, पेट्रोल निकला है। ये 1 लीटर मैं रख लूँगा अपनी गाड़ी के लिए, दो लीटर पेट्रोल निकला है। ये 1 लीटर नहीं, 2.5 लीटर निकला ना, ये 1 लीटर अभी मैं डाल दूंगा। देख लो 1 लीटर पूरा पेट्रोल है, ये पूरा 1 लीटर ये अभी टाकी में डाल दूंगा और ये अपने बैग में रख लूँगा। तो चलो ये 1 लीटर पूरा पेट्रोल डाल रहा हूँ अभी आप लोग के सामने, स्टार्ट करके दिखा दिया पूरी टाकी। अब देखते हैं इसका टिपर भी दिखा दूंगा कितना चली कितना नहीं। पूरा ये 1 लीटर ऐसा मैं बंदा जो एग्जैक्ट पूरा 1 ही लीटर डाला हूँ। और दो लोग में आज देखने का, सब लोग एक लोग में करते ना, तो आज मैं दो लोग में टेस्ट करके देखूँगा। लाओ टिपर की तरफ लाओ, तो देखो अभी टिपर में कितना बता रहा है, कितना चली है मेरी बाइक। अरे चलना देखो 14,000, ये 41 क्या काउंट करूँ अभी किलोमीटर वो लगने वाला है। 14,000 टोटल गाड़ी चली है। देखो फ्यूल एकदम नहीं है, ख़त्म हो गया ई पे, देखो रूम ये देखो ई पे जो था ये एकदम ख़त्म हो चुका है। मतलब 1 लीटर है, इसके लिए 1 लीटर कुछ मायने नहीं रखती है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से डबल लोग जाएंगे, वो 80 किलो का है, मैं 60 किलो का हूँ, और फिर देख रहे हैं कि क्या एवरेज देती है, क्योंकि हम लोग सिंगल तो घूमते नहीं हैं। गाइस और बता देता हूँ कि मैं राइडिंग नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा बाइक को ज़्यादा स्पीड में चलाऊँगा, लिमिट से लिमिट 70-80 की स्पीड में ही चलाऊँगा, थोड़ा सा भगाऊँगा, थोड़ा सा रफ यूज़ करूँगा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एकदम रफ करने से ना इसका एवरेज गिर जाएगा फट से। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, 70-80 की स्पीड में चलूँगा, लिमिट स्पीड में फिर देखेंगे एवरेज। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा भगाऊँगा और फिर बोलूँगा एवरेज गाड़ी ने कम दी, तो जो हिसाब से लिमिट स्पीड इसमें रहती है 60-70-80,
वही स्पीड में चलूंगा और देखते चलते। तो गाइस अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही आगे चल के आया हूँ। यहाँ हल्की फुल्की ट्रैफिक है, अभी जाते आऊँगा जाते आऊँगा, देखते। ये बहुत वजन है, जब इंशाल्लाह बैठा है ना स्टैंड, ये बहुत वजन है। चलो देखते, बोलता नहीं दीड़ बना रहा है, बट बंदा पीट है, बॉडी बिल्डर है ना, बॉडी वॉडी बना रहे कर रहे। और अगर ये बाइक की बात करूँ तो गाइस इसलिए मैं एवरेज देख रहा हूँ ना, क्योंकि ना सच बताऊँ तो ना मेरे को ज़रा भी गाड़ियाँ एवरेज नहीं देती है। और मैं सिंगल नहीं घूमता था, ये डबल पे बनाने का यही तरीका था मेरा, कि डबल पे इसलिए बनाया कि मैं रोज़ अपने दो लोग के साथ घूमता था, ऐसे फिर कैसे एवरेज बताएगी गाइस। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं दो लोग पे एवरेज टेस्ट ले ही लेता हूँ, कि एक्चुअली मैं देता नहीं। बता रहा हूँ और कुछ ना कुछ इसमें, कभी इसका कुछ नट ढीला हो जाएगा वो टाइट कराओ, कभी कुछ मतलब थोड़ा मोटा खर्चा निकालती है। एवरेज की तो बात कर रही मत, जो सिटी में चलाता है उसके लिए एवरेज बाइक में नहीं है। सिटी के लिए तो मतलब चाहे वो 125 पर ठीक है, 200 250 390 ये देखो जैसी ये ट्रैफिक है, दिखाओ ये देखो, ये जैसी ट्रैफिक में तो ये बाइक चलाने लायक है ही नहीं, बार बार पंखा ऑन होता रहेगा, हीटिंग का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हीट करती है बाइक। और कुछ नहीं, और क्या मैं बात ही करूँ ये गाड़ी की नेगेटिव पॉइंट। तो गाइस आप लोग चलो राइड का थोड़ा एंजॉय कर दे, तो मना दो ज़्यादा रफ यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एवरेज मैंने आप लोग को पहले ही बोला हूँ। तो देख सकते हो 41 पे थी, 47 बता रही है अभी, देखो मीटर। ज़्यादा मैं चौथा पांचवा छठा गियर पे चलने की कोशिश करूँगा, कि ज़्यादा इंजन को पावर प्रोड्यूस ना करना पड़े। बहुत मज़ा आता है बाइक में, ये बाइक चलाने का फील बहुत अच्छा है, ये बाइक का मज़ा के अभी क्या दिखाओ, ज़्यादा स्पीड में नहीं बनाना बाइक। हाँ इसकी कंफर्टेबल की बात करें, थोड़ा अगर लॉन्ग पे जाना है इसकी सीट की, तो सीट थोड़ा अच्छी नहीं है मैं बोलूँगा, क्योंकि ना सीट बहुत टाइट है यार, इतना सॉफ्ट होती ना तो थोड़ा अच्छा लगता। साइज सही है, कंफर्टेबल है बैठने के लिए, कोई अच्छे से बड़ा इंसान भी बैठ सकता है, बट थोड़ा कड़क सीट बना दिया थोड़ा, अगर KTM वाले इतना पैसा ले रहे हैं, थोड़ा साइड का सीट का कंफर्टेबल देता ना तो बहुत अच्छा लगता इस बात का, बट ऐसा हुआ नहीं। पर कोई नहीं, हम लोग राइडर लोग बाइक के चक्कर में ना कंफर्टेबल भूल जाते हैं, कहीं आने जाने के लिए होता है। अभी आप लोग राइड का मजा लो, और मेरे को बताते रहो मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहूँ, ज़्यादा समझ नहीं आता, अभी न्यू स्टार्ट किया हूँ मैंने, इसलिए मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आता, थोड़ा बताते इसको। फाइनली गाइस 10 किलोमीटर गाड़ी चला लिया हूँ मैंने, 10 किलोमीटर गाड़ी चल गई है आराम से, दस ही चली है अभी तो, अभी आधा सफ़र बाकी है, 15 मिनट हो चुका, हम लोगों को गाड़ी चला 15 मिनट,
और मजे लो, बस आप लोग को मैं बताऊंगा कितना चलती है। आज मेरे भी दिल में एवरेज देगी कितना, क्योंकि ये पेट्रोल के लिए बहुत रुलाती है ये गाड़ी। सिटी में तो चलाने के लिए ना ये गाड़ी में कोई तो लगता बहुत भारी पड़ने वाला है। जो मेन जॉब नहीं करते हैं, जैसे उनके डैडी ने दिला दिए या जीत करके ले लिए या कुछ भी, तो उनको लो थोड़ा हैवी पड़ेगी। और जो जॉब करते हैं तो उनको लो थोड़ा सही है, मतलब जिनको पैसे है, जिनके पास अच्छा खासा, उनके लिए 200-300 रुपये हर दो दिन में पेट्रोल गाड़ी में डालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। तो अभी 11 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। चलो थोड़ा आप लोग मौसम देख सकते हो, रोड देख सकते हो, बारिश का ही मौसम है। चलो थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं बाइक को। अब चलो देखते हैं डबल सीट पे ये कितना क्रॉस करती है। थोड़ा बेहतर है दबा वो दबा पे बीच वाला, हाँ बस रखना। चलो देखते हैं कितने तेज पिकअप पकड़ती है डबल सीट पे भगाती। चलो वहाँ चलो गाइस, अभी मैंने रोक दिया, एक लास्ट बार स्टार्ट करते हैं। 0 to 100 कितने में पहुंचती है? चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। बहुत पावर है, बीस्ट है, बीस्ट। ये बीस्ट है, बीस्ट। चल अभी जाते हो एक और एक बार। नहीं यार, बार बार ना पूरी वो वाट लग जाएगी, अब नहीं चलाने। रोड खाली फिर भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ना मेगोली गाइस, मेरे थोड़ा मन में डाउट था, ये है ड्यूक 250 और ये है ड्यूक 200। तो मेरे को ऐसा था कि एवरेज तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें से देखते थे थोड़ा सा तेज कौन दी है, क्योंकि मेरे को लगा था मैं 250 ले लूँ, बट कितने लोग बोलते सेम है दोनों बाइक। तो यहाँ से एक छोटी सी ड्रैग रेस करेंगे, देखते हैं कौन सी विन होती है, कौन सी विन नहीं होती है। तो छोटी सी रेस करने वाले वो भाई मेरे को मिल गए थे वहाँ खड़े, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो बोले चलो ठीक है, तो क्योंकि मेरे को कमेंट भी आ रहे थे कि एक ड्रैग रेस करो, तो चलो मैं एक बार कर देता हूँ और देखते कौन सी जीतती। खाली थी फ्रेंडली रेस हो रही है, हम लोग ने कोई ऐसा कोई देखे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। चल गई रेस, ख़त्म हो गई। 200 थोड़ा सा पोटेंशियल में, मतलब इनिशियल में आगे थी, बट लास्ट का जब होने लगा तो थोड़ा 250 उसको बीट करने लगी, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब एक गाड़ी का फ़र्क है। वो एक गाड़ी आगे थोड़ा सा आगे लास्ट में निकल गई, मतलब 80 के बाद 90 तक आने तक वो थोड़ा सा आगे होने लगी। 50 का तो फ़र्क आ गई, वो 250 है, 200 है, बट ये 200 ने भी बहुत टक्कर दी, बट ऐसा देखा जाए तो। और मेरे को रेस करनी में आती तो पहले ही लीन हो गया, मतलब ऐसा, और मैं लीन हुआ नहीं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो कोई नहीं, अब मैंने ड्रैग रेस देख ली है, दोनों अच्छी गाड़ी है, दोनों बेस्ट है, एवरेज देखते हैं अभी कितना देती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गाड़ी अपनी 20 किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी देखते हैं। और मैंने थोड़ा रफ यूज़ अभी थोड़ा ड्रैग रेस कर दिया हल्की फुल्की, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा ड्रैग, 3 बार रेस किया हूँ तो मैंने समझ जाओ, और इसको भी बैठ के मैंने थोड़ा रफ यूज़ किया हूँ।
तो उतना चलता है कोई बात नहीं, बट फिर भी अभी 20 का एवरेज तो निकाल ही दी है डबल सीट में। हाँ डबल 140 का वेट था, तो अभी चलो चलते चलते बस जा रहे हम लोग। मैंने देखा नहीं कि डबल सीट पे कोई ब्लॉग बनाए, मैंने ये भी काम कर दिया हूँ। कोई नहीं, बता दें बाकी का देखा चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ कोई दिन लॉन्ग टूर पे लेके जाऊँ और बस चलाऊँ, इसकी फील ही अलग है बाइक की। मैंने बहुत सारी बाइक चलाई हूँ पर जो ड्यूक में फील है वो बहुत अच्छी फील है यार, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय कर ले। इसको दिल नहीं भरता कि मतलब कितना मैं चला लूँ बाइक को, जितना चलाता हूँ उतना कम है बाइक। गाइस फाइनली 25 किलोमीटर चल चुके 25 किलोमीटर, चलो और कितना चलाता हूँ फिर फाइनल रिजल्ट मैं आगे चल के बनाता हूँ। और मतलब मैं कैसा चल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक मेरे को मिल रही है, मेरे को एकदम भी ऑन रोड टेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑन रोड पर ही चला रहा हूँ, ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं है बट मिनिमम ट्रैफिक मिल रही है, ब्रेकर और एंड ऑल ये थोड़ी बहुत ट्रैफिक देखो सामने कार वाली, इतना मैं खींच नहीं सकता हूँ, तो लिमिट जितने इंसान चलना चाहिए। तो चलो देखता हूँ लास्ट का भी एवरेज कितना निकाल के देखती है। तो गाइस 28 किलोमीटर पे बाइक झटका दे रही है, 28 किलोमीटर चल चुकी गाइस, और थोड़ा थोड़ा गाइस गाड़ी झटका देना चालू कर दिए, मेरे को फील होने लगा है। अब ये कब बंद हो जाए ये नहीं मालूम, गाड़ी झटका दे रही है हल्का हल्का, पेट्रोल बता रही है पेट्रोल कम हो रहा है। तो गाइस 29 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, अभी देखते 30 तो चलना चाहिए, 30 चल, हल्का सा झटका देती है फिर कम हो जाती है, फिर हल्का सा झटका देती है फिर कम हो जाती है, अभी तो फिलहाल चल रही है गाड़ी, कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। 29 यार मेरे को लगा था 35 तो निकाल के देगी, पर डबल हूँ ना एक तरीके से, 35 कंपनी क्लेम करती है 35 का एवरेज देगी, बट हम लोग टू पे तो इसने 5 किलोमीटर कट हुआ, देखो वेट का फर्क आया 5 किलोमीटर कम हो गया, ये तो कोई तो बंद हो जी, ये झटका दे रही बहुत ज़्यादा। हाँ गई बाइक जाने वाली है, ये देखो ये देखो ये देखो पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ, एक्सीलेटर पे दिखा, ये देखो गई बंद हो गई, पकड़ पकड़ बंद करने की कोशिश करता हूँ, चलो चलो एक और बार स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बैठ और जाएंगे थोड़ा बनना हो, अरे झटका दे दिए चालू, ये देखो एक ये दिखा 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 बंद गई बंद हो गई, बंद हो गई मेरी बाइक, एक और बार स्टार्ट करके देखता हूँ, फिर स्टार्ट हो गई, पूरा खींच के जाऊंगा देखता हूँ कितना मीटर में चली। ओ अरे यार गाड़ी बंद हो रही, गाड़ी आ रही, बंद हो गई गाड़ी, तो गाइड लास्ट बार एक और बार स्टार्ट करके देखता हूँ, नहीं तो ज़्यादा सेल्फ नहीं मारूंगा क्योंकि अंदर वो क्या बोलते हैं उसके अंदर कुछ तो रहता है ना, वो चला जाएगा इंजेक्टर। फिर स्टार्ट हो गई है, ये लास्ट बार, इसके बाद मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर रहता है, फ्यूल इंजेक्टर जाने का डर रहता है। ये देखो फिर बंद हो रही है, ये देखो एक्सीलेटर पूरा दे रहा बंद हो गई। चलो तो फिर आगे मैं एक और चीज़ बताना बाकी है, टोटल कितना किलोमीटर चली आओ जरा बताता हूँ। वाओ अब मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ गाड़ी, उतरे रोशन दिखा मेरे को, दिखा दिखा थोड़ा तो गाड़ी किधर आओ, यहाँ मैंने फोटो भी लिया था, मैं आप लोगों को फोटो दिखा दूंगा, यहाँ 41 था,
41 थे, देखो 70 हो गए, तो मतलब ये टोटल 41 थे 70 ना, तो मतलब 29 की एवरेज निकाली है, सॉरी 29, मेरे को लगा था 40 था। स्क्रीन शॉट में आप लोग को डाल दूंगा। फाइनली गाइस देख लीजिए, समझ लो 29 की एवरेज दी है, वो भी डबल पे, रोशन भी पक गया बेचारा। तो अभी हम लोग रिटर्न पेट्रोल डालते हैं, अब यहाँ से डालेंगे और जाएंगे। गाइस आप लोग के लिए वीडियो दिखाता हूँ, कर दो कॉमेंट में आके बताना कौन सी वीडियो चाहिए आप लोग को, कौन सी जिस टॉपिक के ऊपर, डेट के ऊपर वीडियो चाहिए और किस ब्लॉग के ऊपर बनाऊँ। मैं ऑलराउंडर हूँ, आप लोग को मालूम है, सॉन्ग पे वीडियो बनाता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, मैं मोटर राइडिंग नहीं करता मतलब कि खाली बाइक का, ऑलराउंडर हूँ मैं, फिटनेस के रिलेटेड बनाता हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। आप लोग जो न्यू व्यूवर देख रहे हो एक बार प्रोफाइल को चेक करो, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है, जाके देखो, डाइट का भी काम आएगी, मैं एंजॉय भी करता हूँ, वो ब्लॉग बनाता हूँ, सब चीज़ बनाता हूँ, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो इसने 29 या 30 का एवरेज निकाली मेरी का आधा, और चल के आगे इसमें ट्रिप में होने वाला था, मतलब काउंट एक बढ़ने वाला था बट बढ़ा नहीं। तो गाइस एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देना, या तैयार सब्सक्राइब कर देना, क्या जाता है, छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ मैं, आप लोग को थोड़ा मैंने आज रेस भी दिखा दिया 250 की, तो लाइक कर दो। अब यहाँ हम लोग पेट्रोल डालेंगे जो मैंने बैग में लाया हूँ, और सीधा घर जाएंगे। लव यू ऑल गाइस, बाय। और इजाज़त से बताना कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, 10 बार बोलता हूँ, मेरे को कमेंट नहीं कर दो, कमेंट करो तो मैं बनाऊँगा ना यार, मैं सोचते हैं तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ, जो भी मन में वो बोलो। चलो